हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर किचन ब्लॉग्स। होप्स आप सारे ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। हम बनाएंगे कच्चे आलू का इतना टेस्टी और मज़ेदार सा नाश्ता जो आपने पहले कभी ना खाया हो और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। दो कच्चे आलू ले लेंगे, इनको पील ऑफ करके अच्छे से वॉश कर लेंगे और इनको इस तरह से हमें कद्दूकस कर लेना है। तो आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब एक और बर्तन ले लेंगे, इसमें आलू को निचोड़ के रखेंगे, इस तरह से इसका सारा स्टार्च निकाल लेंगे ताकि आलू में कोई मॉइस्चर ना हो। तो देखिए आलू का पानी मैंने निकाल लिया, इसी तरह से मैं सारे आलू का पानी निकाल लेती हूँ। इस पानी को फेंकने से आप फेस पैक वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आलू को मैंने अच्छे से पानी में निचोड़ लिया है। अब इसको एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे, उसमें डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। तो पहले डाल देंगे एक बारीक कटी हुई प्याज, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा कप मैंने मैदा लिया, एक चौथाई कप मैंने मैदा लिया है, दो चम्मच सूजी ली है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी चिली फ्लेक्स, कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा डाल देंगे जीरा। आप चाहे तो इसमें गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा कप डाल देंगे इसमें दही, दही खट्टी ना हो, ताज़ा दही ले। तो इनको कर लेंगे मिक्स। अब इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। पेस्ट को अपने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, ज़्यादा पतला भी नहीं करना। इसमें आप 6-7 चम्मच पानी डाल लें, पेस्ट हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए 3 चम्मच पानी और डाल दिया मैंने। एक चम्मच पानी और डाल देते हैं, टोटल 6 से 7 चम्मच पानी मैंने डाल दिया है। और आलू का पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से होना चाहिए, ये चम्मच से खुद ना गिरे, देखिए इस तरह से। तो आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इनू और एक थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम फॉर्मेट कर लेंगे। मैंने पैन रख दिया, इसमें डाल देंगे 2 से 3 बूंद तेल। आप चाहे तो इसे घी में बना सकते हैं। इसको फैला देंगे तेल को, पहले इसे हाई पे गर्म कर लेंगे, बाद में इसको मीडियम टू स्लो कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आलू का पेस्ट लेना है चम्मच में और इसे फैला देना है इस तरह से, देखिए ना ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। तो इस तरह से हमें चपटे चपटे से इसके पैनकेक बना लेने हैं। तो देखिए मैंने एक साथ में 3 पैनकेक बना लिए आलू के, ये खाने में काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। आप इन्हें सॉस, दही या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और आपको छोटी मोटी भूख लगे तब भी आप बना के खा सकते, फटाफट से बन जाएंगे। तो इसमें मैंने 1-2 बूंद और सरसों का तेल डाल दिया है और इसको धीरे धीरे हमने अब सेकना है। नीचे से देखिए, नीचे से सेक चुके हैं, इनको पलट लेते हैं। पलटने के बाद हमें थोड़ा सा ऑयल और डालना है ताकि ये नीचे चिपके ना। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच ऑयल लगता है। सारे पैनकेक हमारे बन के हो जाएंगे तैयार। तो देखिए 3 से 4 मिनट में हमारा पैनकेक अच्छे से पक चुका है। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। इसी तरह से हमने सारे पैनकेक सेक लेने हैं। तो इनको निकाल लेंगे और बाकी के पैनकेक इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो तैयार है हमारे टेस्टी और मज़ेदार से आलू के पैनकेक। बाकी को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। आपको गैस को मीडियम टू स्लो रखना है, हाई हीट पे नहीं करना। एक बार तवा हाई हीट पे गर्म करने के बाद मीडियम टू स्लो कर ले
और ऑयलिंग भी आप एक से दो बूंदी करें, क्योंकि आराम से टर्न हो जाता है। देखिए इस तरह से मैंने सारे पैनकेक को सेक लिया है। देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी टेस्टी हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। तो देखिए पैनकेक हमारे तैयार हो चुके हैं, इसको मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया है सॉस के साथ और ये खाने में काफ़ी टेस्टी मज़ेदार है। आलू से थोड़ा सा ऐसा मोज़रेला जैसा फ्लेवर आ रहा है इसमें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।